अमरावती के हीरापुर में अज्ञात कारणों के चलते खड़ी फसल में लगी आग, हुआ लाखों का नुकसान। अमरावती के ग्राम हीरापुर में अज्ञात कारणों के चलते खड़ी फसल में लगी आग, हुआ लाखों का नुकसान। जानकारी के अनुसार खेत मालिक ने बताया गया है कि मैं दूसरे खेत पर गेहूं काट रहा था, तभी मेरे एक और खेत है जहां पर गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। वही के पड़ोस के खेत में काट रहे खेत में गेहूं, उनको पता चला कि उनके गेहूं के खेत में आग लग गई है, तो पड़ोसी ने तुरंत पड़ोसी को फोन लगा दिया है कि आपके गेहूं के खेत में आग लग गई है, आप सभी जल्दी आ जाओ। तभी जानकारी मिलते ही तुरंत खेत मालिक वहां पर पहुंचा। अब तक खेत बहुत जल चुका था और फिर फायर ब्रिगेड को फोन लगाया गया, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची और फिर भी गांव वालों के साथ मिलकर खेत की आग पर काबू किया। जब फायर ब्रिगेड आए और फिर उसे आग को बुझाने लग गई, जिसके बाद 100 नंबर भी आए और अपनी लिखा पढ़ी के बाद वो भी चली गई है, और हीरापुर ग्राम के सरपंच भी आए, वो भी पंचनामा बनाकर चले गए। आखिरकार किसान की किसी ने मदद नहीं की। शिवपुरी मध्य प्रदेश से मोहित साहू की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। रामचरण लोधी, कहाँ के हो? हमीरपुर आ गए। अच्छा, हमीरपुर रहने वाले हो। आपके साथ क्या घटना हुई है? आग लग गई सर खेत में। काय का खेत था? गेहूं का। अच्छा, गेहूं का खेत था। क्या नुकसान हुआ है? आग लग गई, जल गए गेहूं सर। कितना नुकसान हुआ है? देख लो साहब, आप ही सब 8-10 बीघा में खेती है, 10-11 बीघा। अच्छा, 8-10 बीघा खेत था। तो इसमें आपको पता कैसे चला कि आपको यहाँ आग लग गई है? सर, हम दूसरे कुआ पर काम कर रहे थे, आग लगी दिखानी, आदमी चिल्लाने फोन में लगा के आग लग गई आपके खेत में, सब लोग दौड़े मतलब। अच्छा, बिजलियाँ काट रहे थे। तो आप आग आप लोगों ने बुझाई है क्या? कोई बाहर से प्रशासन का कोई आया है बुझाने वाला? पहले हमने गांव वाले ने बुझाई, फिर फिर बाद में 2 मशीनें आई थी। अच्छा, 2 फायर ब्रिगेड भी आएंगे? जब आग काबू में हो गई। आग मतलब काबू में हो गई, मतलब मशीनें भी लेट हो गई आने में। मशीनें तो आ गई, लेकिन जब तक गांव वाले बुझाने के बाद मशीनें आई हैं, जो आग काबू में हो गई इसके बाद मशीनें आई हैं। अब आवे में तो टाइम लगता ही है। तो कोई प्रशासन का मामला आया है आपके लिए, कोई बताने के लिए, कोई मुआवजे मुआवजा के लिए, जानकारी लेने के लिए? कोई नहीं आया प्रशासन में, कोई बड़ा अधिकारी कोई नहीं आया, सरपंच आए थे। अच्छा, तो सरपंच साहब ने क्या बताया आपके लिए? हमने अभी कुछ नहीं बताया, बस एक पंचनामा बना के लिए गए, उसके बाद और बर्बादी बुझेंगे बोल रहे हैं। अच्छा, तो सरपंच साहब भी कुछ नहीं बोल के गए आपसे? नहीं, कुछ नहीं बोल के बोले, पंचनामा बना लेगा। चलो ठीक।